ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहने, प्यारे बाबा ने जो वरदान दिए हैं हमें, उन वरदानों को सार्थक सिद्ध करने के लिए आज अनुभव करेंगे और इन्हीं अनुभवों के साथ अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। जो बाबा हमें प्राप्तियां करा रहे हैं उन प्राप्तियों को फील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।
शांति। बहुत अच्छा लग रहा है असंत के हमारे भाई बहने इतनी सर्दी में भी सर्दी को सर्दी ना मान कर योग भट्टी के लिए सब के सब अपने दिल से आए। बहुत लगन दिखाई पड़ती है असंत के भाई बहनों में। देखो दूर दूर से पहुँचे, गांव गांव से आए, कितनी बड़ी बात है। हमारी उजाला बहन देखो नंबर वन बैठी है, ताली लगाओ इसके लिए। बहुत सेवा करती है। हमारे बीच में हमारे बॉम्बे से डॉक्टर सचिन पर्व जी आपको योग भट्टी कराने के लिए आए हैं। भ्राता जी जगह जगह जाते हैं, इनका मास में 25 दिन टूर रहता है। कभी कहीं पर योग भट्टी है, कभी कहीं सारे इंडिया में घूमते हैं और सारे अनुभव है। बहुत ही चिंतन है अध्यात्म पर, गहरा चिंतन है। हमने भी प्रार्थना की कि वैसे तो हमारा शहर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है, परंतु आप तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो इस गांव में भी आप पैर रख दीजिए। तो सबसे खुशी की बात है कि हमारा निमंत्रण डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया। क्योंकि बड़ी जगह पर तो आराम से चला जाता है, बहुत बड़ा प्लेस है, बड़े बड़े सेंटर हैं, रिट्रीट बने हुए हैं, परंतु एक छोटे से गांव में आना, ये हमारे प्रति उनका समझो बहुत बड़ा प्यार है जिसके रिटर्न में वो आए हैं। बहुत ही गहनता से आपको विचार देंगे, आप सुनेंगे, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे, क्योंकि समय विनाश का आ रहा है। उससे पहले सबने संपूर्ण बनना है। बाबा सभी बच्चों को संपूर्ण बनाने जा रहा है, ताकि बच्चे संपूर्ण बनकर सत्युग त्रेता में अपना राजपाट लें, तो संगम की पवित्रता का बल होगा। तन मन धन जो भाई बहने अपना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और मन सा वाचा कर्मणा से पवित्रता जितनी जितनी रेशों में बढ़ती जा रही है, उसी अनुसार मर्तबे निश्चित हो जाएंगे। बाबा का हर बच्चा पवित्रता को समझ गया है। जिस पवित्रता को किसी भी धर्म ने नहीं समझा, केवल बाबा ही ये पवित्रता का बल क्रिएट कर पाया है। वहां तो केवल एक रिफॉर्मर पैगंबर ही पवित्र होता है, बाकी सब गृहस्थी होते हैं, परंतु यहां तो बाबा बच्चों को आप समान बना रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र है। अवश्य की इस बात पर आरंभ में बहुत बाबिला हुआ, लोगों ने बहुत बुरा माना कि ऐसी भी कोई संस्था होती है क्या, ऐसा भी कोई ज्ञान होता है क्या। उनको मालूम ही नहीं था कि पवित्रता का बल कितना बड़ा बल है, ये कितनी बड़ी शक्ति है,
इस बल से विश्व आजाद होगा। आप देखिए इस बात को किसी ने भी नहीं टच किया। बाबा के पास शुरू में लोग आए कि बाबा ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, पर ये थोड़ा सा ये जो पवित्रता की बात है ये निकाल दो, बाकी सब ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे दूध में से मक्खन निकाल दें तो क्या रह जाएगा? कहता छाछ रह जाएगी, बस छाछ रह जाएंगे। फिर तो मैं तो इसी के बल से विश्व आजाद कराना है। अब पवित्रता की ताकत को शिव बाबा जानता है। हर रिफॉर्मर पवित्रता की बात करता है, परंतु वो किसी को पवित्र बनाते नहीं थे। गांधी जी भी कहा करते थे देश को आजादी के लिए पवित्रता का बल चाहिए। बात को पहचान रहा था परंतु किसी को पवित्र रख नहीं सकता था। बाबा ने कितने बच्चों को इस बंधन में बांध दिया। बाबा ने मातृशक्ति को आगे कर दिया, क्योंकि माता की दृष्टि गिरती थी तो पुरुष की तो अपने आप गिरी पड़ी थी। जब तक माता की दृष्टि नहीं चढ़ेगी तो पुरुष की नहीं चढ़ सकती, इसलिए माताओं को आगे कर दिया। वंदे मातरम, ये माताएं ही नए विश्व के गेट खोलेंगी, इनके बल से सारा विश्व पवित्र बनेगा। इसलिए इस शक्ति को भगवान ने पहचाना है। किसी पीर पैगंबर ने किसी माता को अपनी जगह स्थान नहीं दिया, अपनी गद्दी नहीं दी, सबने पुरुषों को दी है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने किसको दी? ताली बजाओ अपने लिए। क्योंकि बाबा जानता है कोई भी सत्संग होता है माताएं ज्यादा होती हैं, भगवान से प्यार इनको ज्यादा है, पुरुष तो गौण मिलेंगे। इसीलिए बहनों को आगे किया है। संगम रूप पर जो कन्या ध्यान करता है उसको बहुत बड़ा एहजा बनता है। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। अब ये प्रेरणा की मम्मी बैठी, इसने प्रेरणा दान कर दी, कितनी सेवा कर रही है। क्यों उजाला बहन? उजाला की तो कोई कन्या है नहीं, थी एक शादी कर दी है। ये बहुत बड़ा दान है, ये उस कन्या का बहुत बड़ा भाग्य है। पूर्व जन्मों की वो तपस्वी है, एक जन्म की नहीं, पूर्व जन्मों की जन्मांतर तप किया हुआ है। संगम युग पर कन्या बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। कन्या बनकर भगवान की बन जाए सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मंदिर बनता है तो मूर्ति रखी जाती है। यदि मूर्ति ना रखे मंदिर में पूजा करने जाएगा कोई नहीं जाएगा। तो ये मंदिर की मूर्तियां हैं, सेंटर खुलता है तो कौन बैठेगी? बहन बैठेगी, तभी तो सेंटर चलेगा। और बहन ना बैठे कोई जाएगा सेंटर में, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो। इसीलिए संगम युग पर वो माताएं सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी कन्याएं दे रखी हैं। परंतु कई माताएं बहनें चाहती हैं, कन्या नहीं चाहती, कठिनाइयां हैं। परंतु जो निकाल जाती है, जिसकी कन्या सेंटर पर चली जाती है, सेंटर संभाल लेती है, वो माताएं सौभाग्यशाली हैं, उनके भी बहुत मार्क्स लगेंगे।
कन्यादान महादान माना गया है। माना गया नहीं माना गया, वो नहीं जिधर आप शादी करते वो कन्यादान है, ये कन्यादान है जो अब बाबा की सेवा में दे रहे हैं। इसलिए और जिसकी कन्या चलती है ज्ञान में आ जाती है उसमें माँ का रोल बहुत अहम होता है, बाप का कम होता है। माँ के सद की कन्या ज्ञान में आती है, सेंटर पर जाती है, माँ की प्रेरणा होती है, माँ की लगन होती है, उसके पिता को मना लेती है, इसका दिल है जाने दो, बंधन नहीं डालने देती। तो इसलिए बहनों को जिनकी कन्याएं आई हुई हैं सेंटर संभाल रही हैं वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो कन्याएं निकाल सकता हो आगे माताएं हिम्मत करें, कन्याएं निकालने पर पूरा जोर लगाएं। जो एक कन्या निकाल के देगी उसका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, चाहे रिश्तेदारी से हो चाहे कहीं से हो। एक कन्या दान करने का संगम युग पर लक्ष्य रखें कि मैंने एक कन्या दान करनी है, ये इस महादान है, बहुत बड़ा बलिदान है, भगवान के कार्य में सबसे बड़ा सहयोग है कन्यादान। माताएं समझती हैं किस किस माता की कन्याएं आई यहां आश्रम पर, वो हाथ खड़ा करें। बहुत नारायणी माता, हाँ पुष्पा बहन, पीछे दर्शना बहन, और कुछ आई नहीं है। पूनम की माँ नहीं आई क्या? पूनम और किरण और बड़ी किरण, वो नहीं आई है? देव बिंदु माता, दर्शना माता भी आई नहीं है, बैठी है। अच्छा, तो क्या है, बाकी बहनें भी सोचें कि हमने ये पुण्य करना है। कौशल्या बहन ने बहुत कोशिश करी परंतु नहीं बन पाया, भाग्य चाहती थी पर भाग्य नहीं बन पाया। इस परंतु इस पर पूरा जोर लगाएं, लगाएंगी। कोई बबीता कहती मेरे पास है नहीं है, तो दूसरे और किसी को देखो, रिश्तेदारी में देखो, इधर देखो उधर देखो, किसी को चलाओ और कहो कि इसकी इसको आप दोगे तो इसकी शादी शिव बाबा से मैं कराऊंगी। क्यों बबीता, ठीक है? हाँ, तो फिर देखो आगे बढ़ेंगे। है लो, तो क्या है कि ये बहुत बड़ा पुण्य अर्जित करने की कोशिश करो संगम युग पर। इस संगम पर अर्जित कर लेंगे तो हर कल्प में अर्जित कर लेंगे। कल्प कल्प की बाजी हो जाएगी, कल्प की नूंद हो जाएगी। क्यों राजबहन, मीना हो जाएगी ना हो जाएगी, पर क्या है इसमें बहुत रोल अदा करना पड़ता है। समाज है, सब कुछ है, रिश्ते संबंधी हैं, सब कहेंगे ये क्या कर दिया, आप लड़की की शादी नहीं कर सके है? उसको कहना जो शादी में लगता है हम उधर लगा देंगे, वहाँ भी तो समर्पण समारोह होता है, आप आना, तुम्हारी शादी में से 200-400 आदमी आएगा या हमारी शादियों में तो कई कई हजार आएंगे है? अभी जब 15 कन्याओं का समर्पण कराया, 3-4 हजार की गैदरिंग थी, सबका ब्रह्मा भोजन था, तो कितनी बड़ी शादी हो गई है, इसमें तो और भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी माताओं को पेन लेनी है। जितनी कन्याएं निकलेंगी उतने उत्तराखंड में सेंटर खुलेंगे, पहाड़ों की देवियों की पूजा है, आशा की तो कम है क्योंकि यहाँ है, मैदानी इलाके में है, निक्की यहीं बैठी है अभी, है स्वीटी भी यहाँ है, परंतु जो ऊपर है पहाड़ पर उनकी पूजा ज़्यादा है या नहीं भाई, बोलो।
दुनिया में भी किसी कहाँ की पूजा है, पहाड़ों वाली देवी को ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, वहाँ बहुत कठिनाई है। पहाड़ पर चढ़ना उतरना है। एक जगह गई ज्योति बहन, मैंने कहा तू कहाँ जाके आई आज? अरे भाई जी 15-20 किलोमीटर था, वहाँ पर पैदल चलना पड़ा 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल चल के हम गए एक गांव में, वहाँ 60 माताएं बैठी थी हमारे से पहले आई हुई। अब बताइए, अब वो माताएं बैठी कितनी सेवा है, पर बहनों को 4 किलोमीटर पैदल चलना उतरना पड़ गया। 4 किलोमीटर नीचे उतरेंगी, उतरते समय तो कठिनाई तो आती है, परंतु उत्साह कब बढ़ता है, जब माताओं की फौज बैठी आगे है, कितनी खुशी होती है। तो इसलिए सेवा के कारण उन बच्चियों को बाबा शक्ति भी देता है। देता तो बाबा ही है शक्ति, और तो कोई देता नहीं। हर बच्चे के साथ बाबा खड़ा है। जाती हैं बहनें और माताएं फूलों से स्वागत करती हैं। रास्ते में जहां बहनें दिखेगी वहीं से फूल डालना शुरू कर देंगी। भाई साहब का स्वागत कर रही है पहले। जैसे फसल होती है उसको पानी देते हैं, पर उसमें जो घास खड़ा है ना उसको भी आ जाता है, उसको देता कोई नहीं, मेरे को भी मिल गया। देना तो डॉक्टर साहब के लिए था गुलदस्ता, तो मेरा तो वैसे ही चांस लग गया है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको अपने विचारों से लाभवंत करेंगे। डॉक्टर सचिन परब। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति, थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। बहुत अच्छा।
अच्छा लग रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं और ठंडी भी बहुत अच्छी है। मुंबई वालों को इतना ठंडी की आदत नहीं होती है। मुंबई में मैंने सुबह भी भाई साहब को बताया कि हमारे इधर टेम्परेचर तापमान 20 से नीचे कभी नहीं जाता है। अगर 20 से नीचे गया माना 18 भी हो गया तो हम कहते बहुत ठंडी हो गई। हम लोग कभी स्वेटर नहीं पहनते उधर, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ना गर्मी होती है उधर, क्योंकि समुंदर किनारा है तो पसीना बहुत आता है। यहाँ बहुत अच्छी ठंड पड़ी है, आप सबको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आसन के बारे में भाई साहब ने बताया था पहले, जब हम उत्तराखंड में गए थे, भाई साहब ने हमको उत्तराखंड में सेवा के लिए बुलाया था। तो मुझे याद है हरिद्वार से लेकर हम लास्ट में जितने भी सेंटर खोलने के निमित्त भाई साहब और उनकी टीम बनी है उन सब स्थानों पर जाना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा था और इस स्थान के बारे में सुना था। भले आप गांव में बैठे हैं या तहसील में बैठे हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हमारे मुंबई में इतना बड़ा हॉल किसी के पास नहीं है, किसी भी सेंटर पर नहीं है। हमारे इधर मुंबई में जगह काफ़ी महंगी है, वहाँ पे इतना बड़ा स्थान नहीं होता है। हमारे इधर मुंबई में जगह का इतना प्रॉब्लम होता है कि ऐसी कहावत है कि कुत्ते भी है ना मुंबई के, वो अपनी पूंछ को ऐसे नहीं हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती उनको। इतनी जगह की मारा मारी है। ये आपका स्टेज है ना, यहाँ पे हम सेंटर खोल देते थे। और ऊपर भी ये जो इतनी जगह छोड़ी है ना, हाँ मुंबई वाले इतनी जगह नहीं छोड़ते, इधर भी माला निकाल ले। तो इतना बड़ा स्थान गांव में देखकर हमको बहुत खुशी होती है। तो जो भी आत्माएं इस स्थान बनाने के लिए निमित्त बने हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प इस स्थान बनाने के लिए लगाया हुआ है, उन सबको बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे भाई साहब ने कहा ना, कल्प कल्प का पार्ट नोन कर लिया आप लोगों ने, हर कल्प में आप अभी सफल करते रहेंगे। और आज इतनी ठंडी में आप लोग यहाँ पहुंच गए इतनी संख्या में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अपने लिए फिर से तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छी बात। मैं सुबह सोच रहा था कितने लोग आएंगे इतने ठंडी में, लेकिन देखा कि अभी तो हॉल फुल हो गया है। तो ये आपकी लगन है ना, इसमें तो आप पास है, तो मुबारक हो। और अच्छी तरह तालियां बजाओ, अच्छी तरह। ताली बजाने से भी ठंडी भाग जाती है। अच्छा, विशेष मैं यहाँ की बहनों की कमाल देख रहा हूँ, जो मैंने उत्तराखंड के पहाड़ी पर भी देखा। यहाँ की बहनें प्लेन में रहने वाले पहाड़ी में जाके सेवा कर रही है, ये बहुत कमाल की बात है। उन बहनों की भी तपस्या है और बाबा उन्हें विशेष शक्ति दे रहा है।
तो जो भी यहाँ की बहनें पहाड़ी में जाकर सेवा कर रहे उत्तराखंड में, उन सबके लिए भी हम बहुत सारी दुआएं देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनको भी शक्ति देंगे। मैं केवल उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं समझे। वो भक्ति का स्थान है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में भी चार धाम हैं, आप सब जानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, और ये चार धाम है उधर। तो भारत का चार धाम का स्थान है वो, जहाँ आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। ऐसे तपस्या के स्थान पर बहने जाकर यहाँ की वहाँ जाकर सेवा कर रही है, ये साधारण बात नहीं है। उनके पूर्व जन्म की कर्म और तपस्या है जो उन्हें वहाँ पर भेज रही है, और उन्हें भेजने के लिए निमित्त बने हुए भाई साहब, इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे स्थान पर सेवा करना। लेकिन मैं एक एक सेंटर पर जाके बहनों को देख रहा, देख के आया हूँ, तो ये उनकी तपस्या है ना। तो उनको बाबा बहुत सारी शक्ति दे। असन के ऊपर आते हैं, असन का नाम असंत कैसे पड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया कि ये जरासंध से असंत आया है। क्या ये सच है? हाँ, आप जरासंध की नगरी के हो। जरासंध ये बहुत दुष्ट राजा था, ये पता है आपको, जिसका भीम ने उसके टुकड़े कर दिए थे, है ना, दो टुकड़े कर दिए थे। उसको वरदान था कि कोई उसके टुकड़े भी करे तो भी वो जुड़ जाता है, और बहुत पराक्रमी था। तो उस पराक्रम करने वाले जरासंध राजा की नगरी के आप सब आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा प्यारे हैं। अच्छा, देवता है, देवता है, बहुत अच्छा, बन रहे हैं, बहुत अच्छा। हम आते हैं अभी पुरुषार्थ के ऊपर। मैंने आज, मुझे बहनों ने सुनाया कि जनवरी मास में आपने विशेष साधना की है, यहाँ के भाई बहनों ने। किसने किसने जनवरी मास में विशेष साधना की 18 जनवरी तक, या अभी भी चालू है? हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा अच्छा, सभी ने नहीं की। मैंने सुना है ऐसी कुछ माताएं हैं जो 4:45 बजे सेंटर पे पहुंच जाते थे, एक दिन भी मिस नहीं। कौन है वो माताएं? जरा हाथ खड़ा करो। 4:45 बजे पहुंचने वाले ठंडी में? अच्छा, 5:30 भी पहुंचे तो भी बड़ी बात है। अच्छा, हाथ खड़ा, इनके लिए विशेष तालियां बजाना, क्योंकि ठंडी में अगर आपको 4:45 बजे पहुंचना भी है तो सुबह तैयार होके स्नान करके पैदल चल के आना है और कंटिन्यूस तपस्या करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी कल्प कल्प का जमा किया, ऐसी अंदर से ऐसा संकल्प आना, ये भी भाग्य की बात है। मुझे 27 साल हो गए बाबा पूरे भारत में भेज रहा है सेवा के लिए। जन्म ही मधुबन का है। हमारा 7 डेज कोर्स शिलू बहन ने करवाया है, तो जन्म मधुबन का और 7 डेज कोर्स करवाने वाली शिलू देवी। हमको इसका महत्व पता नहीं था, और हम झाटकू कैटेगरी में आते, झाटकू समझते हैं, एक धक से स्वाहा होने वाले। तो हम मधुबन में सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखा, कृष्ण को देखा और स्वाहा हो गए। हमने ज्ञान भी नहीं सुना था पूरी तरह से, हमको कुछ पता नहीं था। भगवान को परमात्मा कहते ये भी हमको पता नहीं था, आप समझ सकते हैं।
हम लौकिक में गोवा की तरफ से हैं, गोवा के पास, तो वहाँ के भाई बहनों की विशेषता क्या होती है? गोवा के कोई बताएगा? गोवा के तरफ के भाई बहनों की विशेषता क्या होती है? हाँ, टूरिस्ट टूरिस्ट नहीं, उस समय तो ज्ञान में नहीं थे ना। वहाँ रहने वाले लोगों की क्या विशेषता है? गोवा सिंधुदुर्ग समुद्र का किनारा है, विशेष हाँ बीच है, वो तो प्रकृति का सौंदर्य हो गया। लोगों की विशेषता क्या है? हाँ, खाना खाना पीना बहुत मौज लेना चाहिए, ये ठीक है। वहां के लोगों की विशेषता है कि वो मछली के बगैर रह नहीं सकते, मछली खाने वाले। हमारी भी वही हालत थी, जिस दिन मछली नहीं होती थी हम खाना नहीं खाते थे, ऐसे हालत थी। आप सोच सकते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो खाई नहीं होगी। बच्चों को जो माँ बाप खिलाते वही खाएंगे ना। तो ऐसी आत्मा जो भगवान को नहीं मान रही है, जो खाना पीना एकदम निषिद्ध खाना है ना, ऐसी आत्मा को बाबा खींच लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे चमत्कार बाबा ने कराए, उसमें का एक चमत्कार मैं आपको सुना रहा हूँ। जिनको लगता है ना हमारे बच्चे ज्ञान में आ जाए, क्योंकि भाई साहब ने अभी तक मैंने सुना 19 सेंटर वहाँ पे खोले हैं, 19 उत्तराखंड में इतने शॉर्ट टाइम में, ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने इतने सेंटर खुलते हुए नहीं देखे इतने शॉर्ट टाइम में। पूरे भारत में मैं गया हूँ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया हूँ, अरुणाचल प्रदेश तक गया हूँ। इतना फास्ट और इतने सेंटर खोलना और इतनी गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला भी बहुत है ऐसे सुना, कितनी 400-500 है, 500 गीता पाठशाला है। आप सोचो, माने राजाई तो फिक्स है, बहुत बड़ी राजाई फिक्स है, क्योंकि इतनी गीता पाठशाला है और इतने सेंटर खोलना इतने कम समय में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े भाग्य का लक्षण है। तो हम जब ज्ञान में आए, बाबा ने तो ऐसे खींच लिया, मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं तो अमेरिका जाके सेटल होने वाला। हमारा एक ही स्लोगन था, खाओ पियो मौज करो और पैसा कमाओ। तो अमेरिका जाके एक एग्जाम होती है USMLE करके, वो एग्जाम देंगे तो आप अमेरिका में आपको कार्ड मिल जाता है, वो जाके उधर रहने का। लेकिन जैसे ही पांडव भवन गया, उस समय ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन भी नहीं था, पांडव भवन में जैसे ही हम घुसे तो हमको सब कुछ याद आने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं तो पहली बार जा रहा और मैं घूमने के लिए गया था, मुझे ब्रह्मा कुमारी से कुछ लेना देना नहीं था, मैं केवल घूमने के लिए गया था। लेकिन वो कहावत है ना कि राह चलते ब्राह्मण भी नहीं थे, फंस गए। बाबा ने ऐसे खींच लिया कि मुझे सब बातें याद आने लगी पहले वाली, कि मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, पहली बार नहीं आया हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, ऐसे एक अंदर से फीलिंग आए। और मुझे सब बिल्डिंग भी याद आने लगे कि इधर ये है उधर वो है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार वहां जा रहा था। और विशेष ये बात थी जो भाई साहब ने सुनाई, मैं हम VIP ग्रुप में गए थे, डॉक्टर थे तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे VIP लोग थे, और सभी पवित्रता के ऊपर प्रश्न पूछ रहे थे, ये कैसे हो सकता है।
और मैं उनको उधर ही समझाने लगा ये कैसे संभव है। तो वो मुझे कहने लगे तू भी तो हमारे साथ आया, तुमको क्या पता है। हमको एक भाई लेके आया था जो कुमार था, 25 साल से ज्ञान में था, वो हमको लेके आया था। तो हमको साइड सीन लेके गए, गर्मी के दिन थे तो सभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो उसने मुझे भी दिया तुम भी पियो। तो मैंने कहा हम बाहर के कोई भी चीज़ खाएंगे नहीं, हमको कोर्स सिखाया। वो भाई मेरे से 25 साल पुराना, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उसको पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही मैंने कहा हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, उसने वही बॉटल मेरे सामने फेंक दिया पूरा। उसको भी फील हुआ ये अभी आके इसको इतना नशा है। तो बाबा ने बहुत सेवा कराई। वापिस जब मैं आया घर पे तो माता जी को हमने सुनाया कि माता जी आज से हम नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। तो माता जी को हंसने को आया क्योंकि उनको पता था कि ये मछली के बगैर रह नहीं सकता है। तो उनको लगा इसका नशा है, 4-5 दिन में उतर जाएगा। तो जब भी भोजन बनता था घर में सबके लिए तो सभी लोग मुझे ऐसे दिखा दिखा के खाते थे। उनके लिए मछली बनती थी, मेरे लिए बगैर मछली का भोज। तो मुझे इतना तो सहयोग मिला कि माता जी ने बगैर मछली का देना चालू किया। अभी धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा ये पक्का बनते जा रहा है। सुबह अंधेरे में 4 बजे उठ के क्या बैठता है ये, तो उनको डर लगने लगा कि इसको इतना पढ़ाया लिखाया अभी ये सन्यासी बन जाएगा। माताओं का मोह होता है ना बच्चों में, होता है। यहाँ पे कौन कौन है माताएं जो निर्मोही है, बिल्कुल मोह नहीं है ना, कोई नहीं है। तो मोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर भी रख रहे हैं। तो हमारी माता जी को बहुत डर लगा, इसको MBBS बनाया, ये इतना होशियार है अभी ये सन्यासी बन जाएगा। तो वो सेंटर पर आके हमारे बहनों को गालियां देने लगे, हमारे बच्चे को बिगड़ा है, पहले सब कुछ खाता था अभी ये खाता नहीं कुछ। बहनें बिल्कुल शांत, बहनों को तो चलाने वाला बाबा है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र में उस समय शिवसेना का सरकार था, 95 की बात है। तो हमारी माता जी लीडर थी, शाखा प्रमुख शिवसेना शाखा की। तो उसने मिनिस्टर को कहा कि इनके ऊपर प्रेशर लाओ, बहनों के ऊपर, और हमारे लड़के को सेंटर में जाने से रोकने को। वो मिनिस्टर ने भी फोन किया, देखो बहनों आप सेवा बहुत अच्छी कर रही है, केवल इस लड़के को मत लेना। तो बहनें बहुत होशियार, बहनों ने कहा भाई साहब ये लड़का बहुत जिद्दी है, हमारा भी कहना नहीं मानता, तुम ही इसको समझा। उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो माताओं का और एक विशेष संस्कार होता है, कौन सा संस्कार होता है? अच्छी बात सुना रहे यार, मैं कुछ और सुना। अंग्रेजी में हम कहते हैं माताओं का एक संस्कार होता है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर पता है, जिसको अंग्रेजी आता है वो समझ जाएगा। डेटा ट्रांसफर माना कान भरने के संस्कार। तो एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाते रहते। ऐसे एक माता ने हमारी माता जी को सुनाया, क्या सुनाया? उन्होंने कहा ये तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है पता है, इसके ऊपर जादू टोना हुआ, ब्रह्मा कुमारियों ने इसके ऊपर जादू टोना किया। तो हमारी माता जी डर गई, अभी क्या करने का? बोला इसको खाने में से कुछ तो खिलाया है। तो बोला फिर क्या, इसकी शांति करनी पड़ेगी, इसका भूत उतारना पड़ेगा। तो मेरा भूत उतारने के लिए माता जी ने 4 पंडित बुलवाए।
उस समय हम तो मुंबई से दूर चले गए थे कि घर में कोई ज्ञान में नहीं था, मुझे पुरुषार्थ करना था। और उस समय ऐसे क्लासेस चलते थे ज्ञान के हिसाब से 2000 में विनाश होने वाला है, तो 2000 की डेट ऐसे थी। ये सूरज भाई के क्लासेस भी हम सुनते थे, सूरज भाई क्लासेस में कहते थे, देखो भाई साहब 96 से धीरे धीरे विनाश चालू हो जाएगा और 4 साल में सब खत्म। तो हमने सोचा 4 साल ही बचे हैं, अभी क्या करना है, अभी तो साधना करनी चाहिए। तो हम घर से दूर गए, गुजरात में गए थे दवा खाना खोलने के बहाने। तो सूरत करके एक जगह है, सूरत सुना है आपने, शहर है गुजरात में। तो वहाँ पे हमारे चाचा प्रैक्टिस करते थे, उनका भी दवा खाना था। तो उनके साथ घर से दूर सोचा कि हम साधना करें अच्छे। तब माता जी ने फोन किया कि घर पे पूजा है तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा होगी कोई पूजा, सत्यनारायण की पूजा होती है हमारे इधर, तो मैंने सोचा होगी पूजा, अपने को क्या है। तो मैं आ गया घर पे। तो घर पे आके मैंने क्या देखा, बहुत बड़ा पेंडाल। पेंडाल को क्या बोलते हैं इधर, पेंडाल को क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं हमारे इधर, मंडप ही बोलते हैं ना। मंडप बांधा हुआ था, लाउड स्पीकर लगाया था, हमारे सभी रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने सोचा कोई बड़ी पूजा होगी, अपने को क्या लेना देना, मैं वैसे भी भक्ति नहीं करता था। घर में घुसने के बाद पता चला मेरी ही पूजा है। अभी क्या देखा मैंने घर में, वो हवन करते पता है क्या बोलते हैं, यज्ञ कुंड होता है ना आपके यहाँ, क्या बोलते हैं हवन, यज्ञ कुंड हवन बोलते हैं। तो ऐसा स्क्वायर का एक हवन बनाया था, उसमें तिल जौ समेदा सब डाले हुए थे, 4 पंडित आए हुए थे और वो आटे के गोले भी रखे हुए थे। आपके यहाँ पे कब रखते हैं आटे के गोले मुझे नहीं पता, हमारे इधर मरने के बाद रखते हैं, 12वें 13वें दिन के रखते हैं आपके यहाँ, ऐसे आटे के गोले रखे हुए थे। मैंने सुना था कि भूत निकालने के लिए मारते हैं वो, या मिर्ची का धुआं करते हैं मिर्ची का। तो मैं देख रहा था कहाँ मिर्ची रखा हुआ था नहीं, तो मिर्ची नहीं दिखी मुझे। तो मैंने सोचा शायद डिस्काउंट मिला होगा डॉक्टर को इसलिए। अभी वो चारों पंडित, मैंने उस पंडित को प्रश्न पूछा, क्योंकि ये सब मुझे पूछे बगैर हुआ, उनको क्या लगा इसको बताएगा तो ये आएगा नहीं, इसलिए गुप्त रीति से किया। मैंने उस पंडित को बोला ये सब क्यों करना चाहिए, इससे क्या फायदा मिलता है। उसने देखा मेरी तरफ, वो सोचा ये डॉक्टर है तो इसको थोड़ा शास्त्रीय जवाब देगा। उसने कहा ये जो ग्रह होते हैं ना ग्रह, उनका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। तो जब ग्रहों का प्रभाव रहता है तो हम क्या करते हैं हमको समझ में नहीं आता है। वो ग्रहों को शांत करने के लिए ये यज्ञ है। मैंने उनको पूछा ग्रह जड़ है या चैतन्य है, उन्होंने कहा ग्रह तो जड़ है। दूसरा प्रश्न आत्मा जड़ है या चैतन्य है, तो कहा आत्मा तो चैतन्य है। फिर मैंने कहा जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के ऊपर पड़ेगा प्रभाव, तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उसको कहा संकल्प से सृष्टि चलती है ना, तो संकल्प चैतन्य आत्मा से बनते हैं, वो सृष्टि को चला रहे हैं, मेरा मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं, मेरा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि पैदा की, ये सब सुना था माता जी ने, सुना उनको ज्ञान दे रहा है। तब माता जी को गुस्सा आया, बोला तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो क्या, चुपचाप बैठो उनको जो करना है करने। माँ माँ होती है तो हमने माता जी का रेस्पेक्ट करके वहां बैठे। उन पंडित ने 2 से 3 घंटा जोर जोर से मंत्र पढ़े, पंखा बंद था, मेरा शर्ट निकाल दिया गया था,
कुर्ते पे बैठ कुर्ता नहीं धोती पे मैं बैठा था और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ के मंत्र का पानी मुझे पीने को देते थे। उसको आचमन कहते हैं हमारे इधर, आचमन ही बोल, ऐसे हाथ में देते थे। तो मैं सोचता था कि मंत्रों में ताकत होती है, ये लोग 30 साल से कर रहे यज्ञ। तो मैं वो पानी को ऐसे लेके दृष्टि देता था, तो वो सोचते थे देखता क्यों है पानी की तरफ। मुझे भी नहीं पता था कि बाबा की याद, मैंने देखा था सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां देख के फिर लेते हैं, तो मैं भी देख के पी जाता था। 2-3 घंटा ये खेल चला। मैं बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि धुआं मेरे आंखों में जा रहा था यज्ञ का और आंखों से पानी निकल रहा था। तो जैसे ही वो पूरा हुआ मैं वहां से उठ गया, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने कहा मुझे इधर रुकना ही नहीं है, मैं वापस जाता हूँ। स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन जाके मुझे विचार आया कि बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आई है उसको खाली हाथ मत भेजना। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नया हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। फिर वो विचार आया, बच्चे वो आत्मा तुम्हारे पास आई है उनको खाली हाथ मत भेजना। मेरे से रहा नहीं गया, मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा, ये सभी पंडित टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। मुंबई में वो पीली काली टैक्सी होती है ना, वो टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। मुझे कहाँ से ताकत आई पता नहीं। मैंने उस पंडित को रोका, मैंने कहा देखो मैंने आपका कहना माना, मैं टैक्सी में बैठ गया, अभी आप मेरा कहना मानो, आप मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर चलो। तो माता जी ने सुना, माता जी को फिर से गुस्सा आया, इनको भी लेके जाओ ब्रह्मा। तो वो जो पंडित था वो सात्विक था, ब्राह्मण था लौकिक में, वो 30 साल से यज्ञ कर रहा था। तो उसको लगा ये इस लड़के में कुछ तो बात है, तो उसने भी बोला मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है ब्रह्मा कुमारी। मैंने कहा चलो। उनको मैं बाबा के घर पे लेके गया, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बाबा का एक बहुत बड़ा कुटिया है। तो वो मुख्य पंडित था वो आया, उसके साथ वाले नहीं आए, वो टैक्सी में बैठे रहे। मैंने कहा चलो एक ही आ गया तो भी बहुत है। उसको बाबा के सामने बिठाया, सामने शिव बाबा का किरणों वाला चित्र था। मैंने कहा ये बिंदी है, ये परमात्मा है, ये शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, इससे शक्ति मिलती है, बस इतना ही बोला और उसको बिठा दिया। मुझे लगा 2 मिनट में उठ जाएगा, 5 मिनट हुआ ये हिलने को ही तैयार नहीं। वहां से बाहर टैक्सी हॉर्न बजा रही है, तो मैंने उसको हिलाया, भाई साहब टैक्सी हॉर्न बजा रही है आपको जाना नहीं है क्या। वो मेरे तरफ ऐसे देख के बोल रहा है क्या मैं और नहीं बैठ सकता। मैंने कहा बैठो, तुम्हारा ही घर है, मेरा क्या जाना है, टैक्सी का भाड़ा भी तुमको ही भरना। वो ब्राह्मण पंडित वहां पे लंबे समय तक बैठा और हंसते हुए बाहर आया, ऐसे हाथ जोड़ा और बोला डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हो गया, तो पंडित ने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं इधर आया, मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, लेकिन इधर आया मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। जो मेरी शांति करने आया था शिव बाबा ने उसकी शांति कर, उसका भी भक्ति का फल था ना, वो परमात्मा का काम कर रहा है, उसको भक्ति का फल मिल गया। उसको लिटरेचर दिया मैंने, बाबा का परिचय दिया, और उसने जाते वक्त मुझे क्या आशीर्वाद दिया पता है, उसने कहा डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर हो, इसको छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो, ये अच्छा रास्ता है। और जो माता जी इतना गालियां देती थी शिव बाबा को, वो बाबा की पक्की बच्ची बन गई, रोज मुरली सुनने वाली, बाबा से मिलके भी आ गए। किसका कमाल है, किसका कमाल है, तो बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा,
अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं ये उदाहरण क्यों सुनाया, ये जो भी माता है भाई साहब को देखो, हैंड चाहिए सेवा के लिए। ये अंदर से जो निकलता है ना, कैसे दे कैसे दे, कलेजे का टुकड़ा, मेरा बच्चा बच्चे, आपका नहीं है वो, शिव बाबा का है ना। तो उसका अकेले का भाग्य नहीं बन रहा है, पूरे कुल का भाग्य बन रहा है। पता है जिन्होंने भी अपनी कन्याएं या कुमार शिव बाबा के सेवा में दे, उनके पूरे कुल का उद्धार हो रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने भी दी है उनके लिए जोरदार तालियां हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कहते हैं कन्या वो जो कितने कुल का उद्धार करे, 21 कुल, सोचो। और कुमार भी कम नहीं है, एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर है, तो एक कुमार 7 कन्याओं के बराबर, माना 700 के बराबर है वो। तो दोनों का रोल है, इम्पोर्टेंट है ना। तो जो भी भाई बहने जो ऐसा करते हैं ना, उनके पूरे कुल का उद्धार होता है। ये बात मामूली नहीं है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। मैं केवल आपको अनुभव सुना रहा हूँ, फिलोसॉफी नहीं सुना रहा हूं। कि मेरे जैसी आत्मा जिसको कभी मछली के बगैर नहीं रह सकते, एकदम बुरे संस्कार, ऐसे को बाबा उठा रहा है। आपको मैं बहुत चमत्कार सुना सकता हूँ, दूसरा चमत्कार सुनाता हूँ। ये चमत्कार 2000 साल में हुआ। एक रैली था दिल्ली से कलकत्ता, तो हम रैली में दिल्ली में यूपी में घुसे, यूपी में लखनऊ में आ गए। लखनऊ का लखनऊ कैपिटल है ना, राजधानी है। तो वहां पे हम तो जूनियर थे, हमारे ग्रुप में सीनियर डॉक्टर थे गिरीश पटेल, अभी उनका क्लास था, वो बीमार पड़ गए। तो दीदी ने कहा सचिन भाई आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। हुआ क्या, जब मैं गया, ऐसे ऑडिटोरियम है, इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम, सभी डॉक्टर बैठे हैं, और मुझे तंबाकू के ऊपर बोलना था। तंबाकू समझते हैं ना, हाँ, चैतन्य चूर्ण बोलते उसे तो, हाँ, यहाँ हुक्का पीते हैं हरियाणा में, गुटका हुक्का। तो मेरे को टेंशन आ गया, और मैंने सोचा डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है, इनको क्या बताने का। और मेरा टेंशन का दूसरा कारण ये था कि मुझे अंग्रेजी में बोलना था, मुझे अंग्रेजी इतनी साफ नहीं आती थी उस समय, अभी बोल लेता हूँ लेकिन उस समय नहीं आती थी। तो डर गया मैं। और मेरे टेंशन का तीसरा कारण वहाँ की बहन जी, वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। बहने क्या सोचती है, इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न आना चाहिए। मैं डर गया, लेकिन उस दिन मुझे इसका फायदा पता चला। ये जो देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, स्टैंड बोलते हैं, पोडियम बोलते हैं, ये जो है ना, इसका फायदा मुझे उस दिन पता चला कि ये क्यों रखते हैं। क्योंकि मेरे इसके ऊपर का शरीर दिखाई दे रहा है, गर्दन, नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे छिप के बात करते हैं। जब आप टेंशन में आते हैं ना तो कांपने लगते। अभी ध्यान से सुनो, ये पुरुषार्थ की बात है। उस दिन मैंने अनुभव क्या किया वो आपको सुनाता है। ये हमेशा का मेरा अभ्यास है, जब भी मैं सेवा पर होता हूँ मैं बाबा का आह्वान करता हूँ कि बाबा आओ, ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है और करना भी आपको है। ये मैं हमेशा याद रखता हूँ हर प्रोग्राम के पहले, उस दिन भी किया। और मैंने बोलना चालू किया, थोड़ी देर में मैं क्या देख रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हूं, बिना रुके बोल रहा हूं,
और थोड़ी देर में क्या देखा, मेरा मुंह हिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मुंह हिल रहा है, मैं कैसे देख रहा, ये शरीर को साक्षी होके मैं देख रहा हूं, शब्द निकल रहे हैं और शब्दों के साथ ताकत ऐसे वेव जा रहे हैं, तरंगे जा रहे हैं, और मैंने देखा ये कुछ तो गड़बड़ है। 40-45 मिनट तक मैंने बिना रुके बहुत अच्छे अंग्रेजी में स्पीच दिया, और वो स्पीच सुनने के बाद जितने लोग सभा में बैठे थे वो सब खड़े हो गए, खड़े रह के सभी ने तालियां बजाई जोरदार, इससे ज्यादा थी तालियां। तो वो बहन जी मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने लेकिन आज के जैसा लेक्चर पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी दीदी को साइड में लेके बोला, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। ये स्पष्ट अनुभव था, जब बच्चे में योग्यता नहीं है तो बाबा आके अपना काम करके जाता है। अभी मुझे समझ में नहीं आया इतनी सेवा हम करते उसी दिन क्यों। तो मुझे एक साल के बाद उसका रहस्य पता चला। जब मैं एक साल के बाद वहां गया तो देखा जिस स्थान पर ये लेक्चर हुआ था वहां पर बाबा का बहुत बड़ा सेंटर खुल गया और बहुत सारे डॉक्टर वहां रेगुलर स्टूडेंट बन रहे, मुरली सुन रहे। किसका कमाल है तो बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा। मैं ये क्यों सुना रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ गया ये दो बातें, तीसरा एक अनुभव सुनाता हूँ, फिर हम भट्टी के ऊपर आएंगे क्योंकि इससे निश्चय पक्का होता है। उसी रैली में हम आगे बिहार चले गए, बिहार में समस्तीपुर करके एक टाउन है, तो समस्तीपुर में दिवाली का दिन है और हम रैली में जा रहे हैं और उधर बाबा का अवतरण है मधुबन में, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि बाबा मधुबन में आने वाला है, मेरे जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल, और मैं यहाँ रैली में क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ गांव गांव में जाके। तो मैं बाबा से बात कर रहा था, बाबा क्या हमारा भाग्य, तुम उधर मधुबन में आ रहे और मैं यहाँ समस्तीपुर बिहार में क्या कर रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच रहा था, अचानक क्या हुआ, अचानक मुझे एक शक्तिशाली करंट आया, इतना पावरफुल करंट आया कि मैं शरीर से डिटैच हो गया। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में देखा 7:15 बजे थे। तो मैं सेवा में लग गया, वो भाषण था, पब्लिक स्पीच, वो सब हुआ। रात को खाना खाने के बाद मैंने मधुबन में फोन किया कि मुझे एक ही बात बताओ कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया। तब सामने से भाई ने मुझे जवाब दिया, बाबा ने शाम को 7:15 बजे दृष्टि देना चालू किया। तब मुझे समझ में आया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, समझ रहे हैं? बात को ध्यान से सुनना, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपका बाबा से जिगरी प्यार है, उसको सच्ची दिल से याद करते हैं, तो बाबा आपको शक्ति ये दिए बगैर रह नहीं सकता है, ये मेरा अनुभव है, समझ रहे हैं? आप भले असन के किसी गांव में है, छोटे से परिवार में, लेकिन बाबा की नजर किसके ऊपर है? हाँ, ये नशे के हमारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर बोलो सही। ये मैंने अनुभव किया। ये तीनों अनुभव से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ध्यान से सुनो। तीनों अनुभव से एक ही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन ये तीन अनुभव काफी है। इससे एक ही बात पता चलती है, जो मैं थोड़ा भगवत गीता का रेफरेंस देके, संदर्भ देके आपको बताता हूँ। आप में से भगवत गीता पढ़ी है? किसने पढ़ी है? अच्छा है, यहाँ आपके यहाँ नजदीक है ना।
जहाँ पे सुनाई गई थी कुरुक्षेत्र। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में एक श्लोक आता है 27वां, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, इसका भाव मैं समझाता हूँ, आप डरो मत, संस्कृत से डरो मत, संस्कृत बहुत सुंदर भाषा है, सिर्फ हम सीखते नहीं ना, इसलिए प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर भी समझाऊंगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, इसका भाव है किसको लगता है मैं कर रहा हूं। तो भगवत गीता कहती है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई और आपके द्वारा, ये दुख का कारण है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये क्यों सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सभी या मेरा भ्रम है? एक बार स्कूल में मास्टर जी सिखा रहे थे, है ना, तो मास्टर जी ने बच्चों को पूछा, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है। वो बच्चे शायद हरियाणा के ही थे, उसमें भी असंत के ही होंगे, उन बच्चों ने कहा मास्टर जी आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है, आप हमें सिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं? ऐसा मुझे बीच बीच में लगता है, आप सब सुन रहे हैं ना? बाबा के कौन से बच्चों को तकलीफ है पता है, जो समझते हैं कि मुझे करना है। जैसे आपने कहा मुझे करना है, मुझे घर को चलाना है, मुझे सब कुछ संभालना है, जितना आप मुझे मुझे करेंगे ना आपकी गई भैंस, यही सबसे बड़ी जड़ है। मैं आपको बहुत पावरफुल अनुभव सुना रहा हूं, मेरा जीवन इस अनुभव से बदल गया, अभी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये कोई शास्त्रों का अनुभव नहीं, बड़ी दादी के साथ वाला अनुभव है। बड़ी दादी को कौन कौन मिले आप में से, प्रकाशमणि दादी को? हाँ, बहुत लकी है जो मिले हैं, क्योंकि प्रकाशमणि दादी में जो प्रकाश था वो तो सब जानते हैं। क्या हुआ मैं सुना रहा हूं, पांडव भवन का वरांडा पता है आपको, तो दादी क्या करती थी, मुरली के बाद में पांडव भवन में बैठती थी। उस समय मुरली 7:45 जब हम थे ना, 7:45 मुरली चलती थी और धूप सेकने के लिए बैठती थी। तो वो बाजू में जहाँ टाइल्स है ना, जहाँ पे ये बना हुआ है ओटा, क्या बोलते हैं आप, तो वहां पे मैं और मेरे साथ एक विदेश का कुमार बैठा था, शैलेन भाई, जो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था, और सभी दादियां वो बाबा के कमरे के बाजू में जहाँ दादी नाश्ता वगैरह करते थे ना, वहां पे कुर्सियों पे बैठे थे, सभी दादियां बैठे थी, चंद्रमणि दादी थी, मोहिनी बहन, रतन मोहिनी, सभी दादियां थी उधर। पहले तो सब कुछ ऊपर ही होता था, नीचे कुछ था ही नहीं, तो हम सब हर दादी की विशेषता को देख रहे थे। तो हमने देखा प्रकाशमणि दादी की जो चमक थी ना, औरों से उनको अलग दिखाई दिया। तो मैंने वो शैलेन को कहा, देखो ये बड़ी दादी में कुछ तो बात है, क्या पुरुषार्थ करती होगी दादी। सिर्फ मेरे मुंह से ये निकला कि दादी क्या पुरुषार्थ किया होगा जो बाबा ने दादी को निमित्त बनाया। तो वो मेरे से आगे, वो कहते हैं बहुत अच्छा सवाल है, चलो जाके पूछते हैं। मैंने कहा नहीं, सभी बैठे हुए, बोला नहीं नहीं तुमने सही पूछा है, चलो। मेरे को लेके गया वो दादियों के सामने, हम दोनों गए, और उस वो हिम्मत वाला कुमार था, क्योंकि दादी जानकी के साथ वो रहता था लंदन में, उसने पूछा दादी आपसे एक प्रश्न पूछना है ऐसे हाथ। अच्छा, दादी ने कहा अच्छा दादी से प्रश्न पूछना चाहते हो, पहले हो कौन वो तो बता। उसने कहा मैं शैलेन लंदन से हूँ, ये डॉक्टर सचिन ग्लोबल हॉस्पिटल, उस समय हम ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। तो बोला अच्छा दादी से प्रश्न पूछना चाहते, पूछो। और उसने वही पूछा जो मैं, और उसने क्या पूछा पता है, सभी दादियां बैठी है और ये भाई पूछ रहा है दादियां, दादी वैसे तो सभी थे बाबा के साथ में, फिर भी बाबा ने आपको ही क्यों चुना बाकी लोग।
मैंने कहा ये मरवाएगा मेरे को, लेकिन उसकी हिम्मत थी, उसने बड़ी दादी को पूछा और सभी दादियां हमारी तरफ ऐसे देख रही, तो दादी ने जेको एक मिनट में जवाब दिया, ये जवाब आपके जीवन को बदल सकता है। दादी ने कहा अच्छा, दादी से जानना चाहते हो क्या पुरुषार्थ करती है। दादी ने बराबर पकड़ा, दादी ने कहा सुनो, नंबर वन पॉइंट, दादी कभी ये नहीं सोचती है कि वो चला रही है, बाबा चला रहा है, दादी केवल निमित्त है। पहली पॉइंट, माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैंपन और मेरापन। तीसरी पॉइंट, करण करावनहार बाबा है, इसी के साथ जुड़ी हुई। चौथी पॉइंट, दादी ने हमेशा अटेंशन रखा, ये पॉइंट थोड़ी गहरी है, दादी ने कहा दादी हमेशा ध्यान रखती है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। चौथी पॉइंट, दादी ने कहा दादी हमेशा लाइट के कार में रहती है। समझा दादी को क्यों चुना? ऐसे करके दादी ने चार महामंत्र हमको दे दिए, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। वो चार महामंत्र आज भी मुझे याद है, दादी का चेहरा भी याद है। एक एक बात की गहराई में जाओ ना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जो भी बाबा के बच्चे समझते हैं कि बीके लाइफ बहुत कठिन लाइफ है, मेहनत है, संस्कार नहीं बदलते हैं, पेपर्स आते रहते हैं, उनको एक ही बात समझना है, क्या? बाबा मुझे चला रहा है, बराबर है। मैं इसको इस तरह से सुनाता हूं, आप सबको सुन रहे हैं सभी? अच्छा, मेरा भ्रम नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं, किसका घर है? हाँ, अच्छा, घर में रहने वाले किसके बच्चे हैं? अच्छा, घर में जो पैसा है वो किसका है? तो दे दो लाके, वो नहीं, वो हमारा। ये बोलना बहुत इजी है, करना बहुत कठिन है। रमेश भाई, हमारे मुंबई के रमेश भाई एक अनुभव हमेशा सुनाते थे, मुंबई की घटना है, गामदेवी सेंटर, एक करोड़पति बाबा का बच्चा, करोड़पति, बहुत सेवा करता था, सेवा भी बहुत करता था, लेकिन अचानक उसका शरीर छूट गया। अभी छूट गया तो उस समय भोग लगाया बाबा को, तो ब्राह्मणी भोग लेके गई वतन में, तो वो बच्चा बाबा को कह रहा है, बाबा मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत पैसा है, नीचे सबको कहो कि मेरे सब प्रॉपर्टी के पेपर लेके आए, मैं वो ब्राह्मणी के तन में जाके साइन कर देता हूं। देखो, मरने के बाद बाबा को बोल रहा है। बाबा ने जवाब दिया, बच्चे न लौकिक कायदा न अलौकिक कायदा इसको परमिशन देता है, तुमको जो भी करना था जब तुम जिंदा थे तभी कर सकते थे, अभी तुम्हारे बच्चों के हाथ में सब चला गया, अभी वो करेंगे उनका भाग्य बनेगा, तुम्हारा नहीं बन सकता। रोने लगा वो, बहुत जार जार रोने लगा। समझ रहे बात को? समझ रहे? अच्छी तरह समझना इस बात को, बाद में कुछ नहीं हो सकता, जो भी करना है अब, बाद में। मैंने और एक अनुभव देखा, मैं कोविड में सेवा में था, तो मैंने क्या देखा, जैसे ही वो हमारे पंत प्रधान ने डिक्लेयर कर दिया, कौन सा, कोविड के वक्त में, नोटबंदी के वक्त, भाइयों 500 की नोट बंद, तो मैंने क्या देखा, जैसे वो नोटबंदी की घोषणा हो गई, अगले कुछ दिनों में बाबा के कमरे में 500 के बंडल आने लगे। तो मैं सोचने लगा, अभी तक ये बंडल कहां थे?
जैसे ही नोटबंदी हो गई, बंडल के बंडल बाबा के घर में आने लगे। समझ रहे आप बात को? फिर क्या हुआ, बाबा ले गए सब पैसा। मधुबन से डायरेक्शन आया कि इसको हाथ नहीं लगाना। और आपको एक बात सुनाता हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल है, भले रिकॉर्ड हो रहा है। एक बाबा का बच्चा है जिसके पास बहुत पैसा था, पॉलिटिशियन के पास होता है ना, उसने दिखाया उसका पूरा कमरा, छोटा सा कमरा नोटों के बंडल से भरा हुआ था। कहता इसका कुछ नहीं कर सकता, इसको फेंक भी नहीं सकता, फेंकेंगे तो भी पकड़े जाएंगे। पूरा वेस्ट चला गया, जीरो। मैंने कहा सफल के लिए क्या? उसने कहा हमको क्या पता था नोटबंदी अचानक आएगी। तब मुझे याद आया बाबा का वो महावाक्य कि किसकी दबी रहेगी, किसकी राजा खाए, सफल होगी उसकी जो धनी के कार्य में लगा है। प्लीज अंडरस्टैंड, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, बराबर है ना? और कभी मत समझना कि मुझे करना है, किसको कराना है। तो आपको क्या करना है, आपको मन और बुद्धि को बाबा को सौंप देना है। ये सर्वश्रेष्ठ समर्पण है। भगवत गीता जो आज पठन करते हैं ना, उसमें आप में से किसने पठन की पठन समझते हैं, वो हजारों लोग बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें जब ये श्लोक आता है ना, जो आपने भी सुना है, वो तीन बार बोलते हैं। बाकी सब श्लोक एक ही बार बोलेंगे, लेकिन ये श्लोक तीन बार बोलते हैं। 18वें अध्याय का श्लोक है, 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माना तुम सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। पूरा ज्ञान का सार है समर्पण। इसलिए माता ये नंबर ले लेती है इसमें, क्योंकि माता और बहनों में समर्पण भाव है माताओं में। हाँ मुश्किल है, मैंने ये भी देखा है, आपको विचित्र अनुभव सुना था। डायमंड जुबली हॉल है ना, जब वो शुरुआत हुआ ना, तो वो एवरेल्दी हॉस्पिटल पता है आपको, एवरेल्दी शांतिवन में है, उसके लिए मैं निमित्त बना था। तो शुरुआत में क्या था, बहुत सारे ना सोल्स आते थे, तो खास करके माताओं के तरफ क्या होता था, माताओं के तरफ कई सारी माताएं, जैसे ही बाबा का उत्तरण हुआ, बाबा कह के भागती थी स्टेज के तरफ। तो हमारा, हमने देखा एक दो नहीं है, कई भागती है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वो सबको डिस्टर्ब करती है, तो मैं इंजेक्शन लेके बैठता था माताओं के तरफ। दो इंजेक्शन होते थे, सेरेनेस और कंपोस। जैसे कोई उठा, बाबा, तो हमारी टीम उसको पकड़ देती थी, इंजेक्शन लेके सुला देते थे उसको, 3-4 घंटे तक सो जाओ। तो मैं माताओं की तरफ बैग लेके पहले से बैठा रहता था। तो मैं क्या देखता था, माताएं रो रही है। वैसे बाबा का टर्न 7 बजे चालू होता था, वो 3 बजे से बैठे, 4 बजे से बैठे, और माताओं के आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाबा 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 बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा। तो मैं देख के हैरान होता था, कितना प्यार करती है माताएं बाबा से, कितना प्यार। अगर इसमें से 10% भी मैं प्यार करूं तो मैं कर्मातीत हो जा, लेकिन माताओं का प्यार मैंने नजदीक से देखा। और डांस करेगी बाबा के वक्त, ये भी हमने देखा। अभी 4 घंटे की मुरली पूरी हो गए, उसके बाद मैं क्या देखता था, अंदर मेरा बाबा, वो दरवाजे से बाहर आते थे। उस समय क्या था, इतनी भीड़ का मैनेजमेंट था नहीं, तो माता ये क्या करती थी, जो चप्पल होती थी ना, चप्पल,
वो चप्पल को पेड़ में छिपा के रखते थे, बाहर जो पेड़ थे उसमें, उधर से भी गायब हो जाते थे। अभी अंदर मेरा बाबा और बाहर आते ही मेरी चप्पल। तो जो अंदर 4 घंटे में कमाई की थी, एक चप्पल से पूरी कमाई गाया। चप्पल चोरने आते हैं या बाबा को मिलने आते हैं, या छिपाई हुई चप्पल भी लेके जाते हैं। आप इतना हंस क्यों रहे हैं? हंस रहे माना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये क्यों सुना रहा हूं, मेरापन बहुत सूक्ष्म है। आप भले बोलते हैं कि सब कुछ बाबा का है, लेकिन एक चप्पल आपका योग तोड़ सकती है। बराबर है कि नहीं? तो इतना ही किसी होता तो सभी नंबर ले लेते हैं। इसलिए समर्पण भाव बहुत, देखो चप्पल संभालना ये जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी तो निभाना ही है आपको, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डिस्टर्ब नहीं होने का। बराबर है? तो मैं फिर से कह रहा हूं, सरल पुरुषार्थ क्या है पता है? मैं नहीं चल रहा हूं। क्या है? बाबा चला रहे हैं। मेरा घर नहीं है, बाबा का घर है। मेरा पति नहीं है, किसका पति है? बाबा का बच्चा है। मेरी पत्नी है। ये जब आपका हो जाएगा ना, तो आप जिम्मेवारी से हल्के, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ये ब्रह्मा बाबा की अवस्था थी। बराबर है? ये 18 जनवरी को सुनाते हैं ना बाबा के सभी अनुभव, तो आपने ये अनुभव सुना होगा। ब्रह्मा बाबा का अनुभव तो सभी ने सुना है ना। 300 लोग हैं, खाने को कुछ नहीं है। आपके घर में 2 बच्चे, 4 लोग हैं, खाना नहीं मिलता है तो कितना टेंशन आता है। और यहाँ 300 है और बाबा बिल्कुल निश्चिंत कि शिव बाबा भूखा नहीं रह सकता। ये अवस्था है, समझ रहे हैं? तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे करना है। नहीं, बाबा बैठा है, बाबा चला रहा है। इतने बड़ा सेंटर, इतने सब सेंटर, कौन चला रहा है? इतना इजी नहीं है, पर बाबा संभाल रहा है ना। मैं आपको बहुत कुछ सुना सकता हूँ, क्योंकि कई सेंटर पर जाता हूँ मैं, बहुत कुछ देखता हूँ, बहुत कुछ हो रहा है। माया चुप बैठने देती नहीं है। कई सारे भाई बहने ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा कुछ करते हैं जिससे डिसर्विस होता है, लेकिन बाबा संभालता है कि नहीं संभालता है? कितने लोगों ने विरोध किया है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा चला रहा है। तो मेरा ये अनुभव है कि पुरुषार्थ अगर आपको हल्का करना है तो ये हमेशा अनुभव करो कि बाबा मुझे चला रहा है। लेकिन इसके लिए बहुत सच्चाई सफाई चाहिए, इतना इजी नहीं है। मेरा दूसरा स्लोगन जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं, सुन रहे हैं सभी? बड़ा बाबा, बड़ा बाबा है ना, तो बड़ा बाबा कभी भी छोटे दिल में रह नहीं सकता। बड़े बाबा के लिए दिल भी कैसा चाहिए? बड़ा दिल की विशेषता समझते हो? बड़ा दिल माना कौन सा? जो कंजूस ना हो और सबके लिए सोचे। और बड़ा दिल किसको कहते हैं? मैं शाम को भी ये सुनाने वाला हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बड़ा दिल। ये जादी जानकी का एक फोटो लगा हुआ है शांतिवन में, देखा आपने? वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ एक बड़ा कटआउट है और उसके नीचे 3 बातें लिखी हुई है। एग्जैक्टली, तालियां बजाओ इनके लिए, सही जवाब है। इसके ऊपर मैं विस्तार से शाम को बताने, सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल, ये 3 बातें लिखी हुई है।
दादी जानकी जैसे आत्मा आपको वंडर लगेगा। मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि दादी की सेवा करने का मौका मिला। एक बार दादी को तकलीफ हो रहे थे, हमको बुलाया, क्योंकि एवरल्दी में थे तो हमको बुलाया, तो बीपी चेक किया। दादी जानकी का बीपी क्या था पता है? 240 और 140। ऊपर का 240, नीचे का 140। और दादी की हालत ऐसी, दादी ऐसे कर रहे, सांस फूल रहा है, और उस हालत में क्लास कर। मैंने कहा दादी मैं डर गया, क्योंकि इतना बीपी बढ़ जाता है ना तो नसें फट जाती है, दिमाग की पैरालिसिस हो जाता है। हमने तुरंत डॉक्टर सतीश गुप्ता को बुलाया, तो वो आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा तुरंत गोली दे दो फटाफट, बीपी बहुत बढ़ गया है और लंग्स में पानी हो गया है। मैंने हार्ट जब फेल हो जाता है लंग्स में पानी, ये 98 की बात सुना रहा हूँ मैं, 98। हमको आप दादी को बोला दादी आपका बीपी बढ़ा है, आपको कोई क्लास नहीं करना है, आराम करना है। और हम गए, हमको लगा दादी रेस्ट करेंगे। एक घंटे बाद हमने क्या देखा, दादी डायमंड जुबली के स्टेज पर भाई बहनों को क्लास करा रही है, अच्छे से जान रही है। आई वाज शॉक्ड, एज अ डॉक्टर मेरे दिमाग से बाहर था ये कैसे संभव है, संभव ही नहीं है ये। लेकिन दादी की योग की ताकत थी, वो समझ रहे आप बात को, आत्मा ने प्रकृति के तत्वों को जीत लिया था। कैसे करती है दादी ये, हम भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल, सबके अंदर ये ताकत नहीं होती है। हमने आदरणीय रमेश भाई को भी देखा, रमेश भाई गिर गए, ये टेलीफोन की वायर है ना उसमें पैर अटक के गिर गए, तो हड्डी टूट गए, तो बिस्तर पे आ गए। ये जरा ध्यान रखना, ओल्ड एज में जिसकी उम्र ज्यादा है ना, पैर कहाँ अटक नहीं जाए। तो उनको फिजियोथेरेपी करने के लिए उनको बोलते थे तुम हिम्मत करो, लेकिन वो खड़े नहीं होते थे क्योंकि इतना बड़ा शरीर था, उनकी हाइट बहुत थी। तो दादी उनको मिलने को आए, मैं उस वक्त था, दादी ने कहा देखो रमेश मेरी भी ताकत नहीं है, मेरी भी काफी उम्र हो गई है, लेकिन मैं हिम्मत रखती हूँ, इसलिए बाबा चला रहा है, समझ रहे आप बात को। तो ये दादी में मैंने देखा, जानकी दादी में, कि उनके शरीर की कैपेसिटी नहीं थी। एक और अनुभव सुनाता हूं मैं, क्योंकि ये आपको बाहर कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, कोई नहीं सुनाएगा। मुंबई का अनुभव है, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो बहुत बड़े डॉक्टर है कात्रज करके, उनके पास मैं किसी बहन का रिपोर्ट दिखाने के लिए गया था। उसी वक्त दादी की ब्राह्मणी आई, कौन थी दादी की ब्राह्मणी, जानकी दादी की हंसा बहन, वो रिपोर्ट लेके आए। उस समय दादी की उम्र थी 103 साल और दादी को जाना था लंदन हांगकांग। वो रिपोर्ट लेके आए, बोला ये दादी का ब्रेन का रिपोर्ट है। तो वो सब डॉक्टर मेरे सामने देख रहे थे, एमआरआई, उसके साथ और भी तीन डॉक्टर थे, सभी देख रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा अरे इसका ब्रेन तो एकदम खराब हो गया, डिजेनरेट माना पेशियां खत्म हो रही है। तो बोल तो हंसा बहन ने कहा देखो ना इस उम्र में लंदन जाना चाहते, क्योंकि इसको टेंशन है, उसको संभालना है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा 103 साल की उम्र, ब्रेन की पेशियां खत्म हो गई और फिर भी लंदन जाना चाहती है, तो इसने फिर से देखो ना आप कुछ कहो। तो डॉक्टर ने कहा अगर इस उम्र में भी इतना होने के बाद भी वो लंदन जाना चाहती है, जाने दो, इसका मतलब वो नहीं चल रही है, भगवान उसको चला रहा है, तभी ये संभव है। ये हाँ, तालियां अच्छी तरह बजाओ दादी के लिए। वो लौकिक डॉक्टर था लेकिन उसको भी समझ में आ गया, उसने कहा इस उम्र में पेशेंट उठता ही नहीं है, सोया रहता है बिस्तर के ऊपर, और इस हालत में ये लंदन जाना चाहती है, ये इसकी ताकत नहीं है, बगैर परमात्मा की शक्ति के ये हो नहीं सकता है। और दादी उसके बाद 60,000 किलोमीटर हांगकांग भी गई, लंदन भी गए,
कौन चला रहा है, पर कैसे हो रहा है ये आपको सौंपना पड़ेगा बाबा को। समझ रहे बात को, समझ रहे हमारे साथ क्यों नहीं होता है ये सब, क्योंकि हम पूरी तरह से छोड़ते नहीं है। वो द्रौपदी का बताते हैं ना शास्त्रों में, द्रौपदी का वस्त्र वो हरण कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं आप लोग, चीर हरण, वो वस्त्र उतार रहा था, भगवान की मदद नहीं आए, उसने अपने पतियों की तरफ देखा, भीष्म द्रोणाचार्य, मदद कब आई, जब उसने परमात्मा को जैसे ही पुकारा तब वो, तब तक नहीं आई मदद। कि शुरुआत में लौकिक को ही देखती रहे कि मेरा पति आएगा, ये आएंगे, वो आएंगे। तो हमने भी क्या किया है पता है, वो पकड़ के रखा है आखिरी छोर, तब तक मदद नहीं आते, जब सब कुछ छोड़ देंगे तब आएगा। ये है स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हुआ, ये सब भवन वगैरह नहीं, कुछ लोगों की साधना है इसके पीछे, बराबर है। तो असन के भाई बहने ये साधना करने को तैयार है तैयार। असन का नाम हम आज से यही रखेंगे, असन माना जरासंध वाले नहीं, असन माना साधना करने वाले। साधना में नंबर वन जो है वो है असन। जो अपनी साधना को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, असंध मना साधना को नहीं छोड़ने वाले। तो सबसे सरल पुरुषार्थ तो मैंने ये देखा है, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में भी कहा था, एक शब्द का परिवर्तन है, क्या करना है, हाँ मेरा कुछ नहीं सब कुछ, इतना इजी है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हम बोलते बहुत है लेकिन अंदर से वो भाव नहीं है। बोलते बहुत है ये सर ना, हम बोलते हैं सब कुछ तेरा, लेकिन तेरा है नहीं अंदर से। आज के मुरली में भी ये बाबा ने बताया, सकाश कौन दे पाएंगे, लगाव मुक्त है, बिल्कुल ठीक, सही जवाब है, तालियां तो बजाओ, सही जवाब है, लगाव मुक्त होंगे और बेहद के वैराग्य वृत्ति, यही लोग ये सब कर पाएंगे। मैं और आपको अनुभव सुनाता हूं, मैं प्रैक्टिकल में विश्वास, हम लोग प्रैक्टिकल वाले लोग हैं। मैं जब यज्ञ में आया, मैं किताबें पढ़ने लगा, तो मैंने क्या देखा, हर किताब पे एक ही व्यक्ति का नाम है, जगदीश चंद्र हसीदा, जगदीश। मैंने कहा ये है को, मैं कभी मिला नहीं था, मैं जानता नहीं था, लेकिन मैं उनकी सभी किताबें पढ़ डाली, जितना उन्होंने लिखा था, सच्ची गीता सार, महाभारत गीता, इंटरनल ड्रामा, अनादि नाटक दो पार्ट थे वो पढ़े, योग की विधि और सिद्धि, कमल पुष्प समान जीवन, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, भविष्य का दिग्दर्शन, जो भी किताबें थे मैं पढ़ लेता था। तो मैंने हर किताब के ऊपर एक ही नाम लिखा, जगदीश चंद्र हसीजा, पर मैं कभी मिला नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि वरिष्ठ भाई है करके। तो मैं सिक्योरिटी वालों को पूछा पांडव भवन में, ये जगदीश भाई कौन है, तभी वो पीछे से आ रहे थे, वो भी डर गया, बोला देखो देखो पीछे से आ रहे हैं। तो मैंने कहा इतना क्यों डरते हैं लोग। मैं गया भाई साहब के सामने, पहली मेरा मीटिंग, मैंने कहा भाई साहब ओम शांति, बोला ओम शांति। तो मैंने कहा मुझे आपसे प्रश्न पूछना है डायरेक्ट, वो मेरे तरफ देख रही है कौन। तो पर उन्होंने शांति, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा देता, मुझे आपसे प्रश्न पूछने। ये बात होगी 97-98 की बात है। उन्होंने कहा ठीक है 1 बजे आ जाओ। पहले निर्वेर भाई ऊपर बैठते थे, पता है आपको, जहाँ शशि बहन बैठती है ना, उसके बाजू में कमरे थे छोटे छोटे। तो मुझे बोला 1 बजे इस कमरे में आ जाओ, आ गए 1 बजे डॉट आ गए जगदीश भाई। और मैंने उनको पहला प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय बहुत नशा था, अभी भी है नशा। क्या प्रश्न पूछा पता है जगदीश भाई को, मेरा पहला प्रश्न, भाई साहब आप 1950 से 60 से ज्ञान में हैं, मैं अभी आया हूँ
और मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, क्या पुरुषार्थ कर? ये मेरा पहला प्रश्न जगदीश भाई का। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, निर्विकार चेहरा, एकदम शांत। बोला तुम जा सकते हो मेरे साथ। मैंने कहा कैसे? दो बातें उन्होंने मुझे सुनाई। एक, जब भी योग में बैठते हो, विशेष अमृत वेला, फ्रेश होकर बैठना, सुस्ती नहीं चाहिए, आलस नहीं चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अगर अभूल बनते हो और योग अच्छा है, आप मेरे से आगे जा सकते हो। ये जगदीश भाई ने मुझे फॉर्मूला बताया। उसके बाद तो मैं उनके पीछे ही पड़ा। बहुत प्रश्न थे मेरे, और उनके वजह से ही मैंने भगवद गीता पढ़ना चालू किया। क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तो सभी सेवा, गीता का भगवान बाकी है। मैंने कहा इतना कठिन है क्या? बोला कठिन नहीं है, लोग कट्टर होते हैं। तो मैंने पढ़ना चालू किया। संस्कृत का गंध नहीं आता है मुझे, हमारे घराने में किसी को संस्कृत नहीं आती है, लेकिन नशा था बाबा की सेवा करने का। तो मैं उस समय जॉब करता था फार्मा इंडस्ट्री में। मैंने इंटरनेट से एक बुक डाउनलोड की, इंग्लिश संस्कृत को 21 दिन में सीखो करके, और फिर भी नहीं समझ, श्लोक कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, कैसे, कुछ नहीं आता था। लेकिन लगे रहा मैं पीछे भगवद गीता के। तो आज बाबा की कमाल है कि मुझे भगवद गीता के लगभग 300 श्लोक याद है 700 में से, और टीवी के ऊपर 3 बार रिकॉर्डिंग हुआ है, पीस ऑफ माइंड चैनल, ईटीवी के ऊपर, और अभी कोविड के वक्त भी बीके भाई बहनों के लिए 700 श्लोक लिए हैं। पर ये सब का क्रेडिट मैं जगदीश भाई को देता हूँ, क्योंकि उनकी किताब पढ़ के बहुत सारे प्रेरणा आए थे। आप समझ रहे बात को? मैं अपना पुरुषार्थ आपको सुना रहा हूँ। बहुत विघ्न आए, बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन बाबा की मदद से अभी रिसेंट का अनुभव सुनाता हूँ आपको, कोविड के वक्त का अनुभव। कोविड में ऐसा पेपर किसी को नहीं आया। आप सब बहुत भाग्यवान हो कि कोविड के बाद भी आप जिंदा हो। तो जिंदा है इसके लिए अपना तालियां बजाओ, आप अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि कोविड में हमने बहुत लोगों को जाते देखा, बराबर है ना? अच्छे अच्छे लोग चले गए। हमारा ड्यूटी लगा था कोविड में, हम मुंबई में थे, मुंबई में बहुत कोविड था, और गवर्नमेंट का हमको लेटर आया कोई भी डॉक्टर घर पे नहीं बैठेगा, सब लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। हम तो सेंटर पे रहने वाले, अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है ज्वाइन करते हैं। अभी हम सेंटर पे, हमको भोजन सेंटर से मिलता था, लेकिन बहनें इतनी डर गई। मुंबई में क्या है, हम गार्डन में रहते हैं और बहनों का रहने का अलग है, वो फ्लैट में रहते हैं, मैंने क्या बिल्डिंग में रहते हैं, सेवा सब गार्डन में। लेकिन गार्डन को भी ताला लगा दिया गवर्नमेंट में, कोई जाएगा नहीं, इतना बढ़ गया था। तो बहनों को हमने कहा हमारे 12 घंटा ड्यूटी है, हमको भोजन चाहिए। बोले भोजन भी जब कुछ नहीं, तुम ही बना। हमारा भोजन भी बंद हो गया। हमने कहा डब्बा रखो बाहर, हम उठा लेते, नहीं तुम कोविड के पेशेंट को देखते हो, हमको भी हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं आता था, तब हमने इंटरनेट से देख देख के खाना बनाना सीख लिया। रोज सुबह उठ के मैं पहले खाना, रोटी बताता था, ज्वार की रोटी और सब्जी, 2 सुबह खाता था, 2 रात को, 12 घंटा ड्यूटी। बहुत तकलीफ हुआ उस ड्यूटी में, क्योंकि वो किट जो था ना, जो पहनने वाला, उसमें सांस लेना मुश्किल होता था। और क्या होता था, मुझे खांसी की तकलीफ, तो मैं मास्क को नीचे कर देता था, तो मेरा कंप्लेंट कर दिया किसी ने, ये डॉक्टर सचिन मास्क नहीं लगाते, हमको भी कोविड दे देंगे। तो वो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मुझे बुलाया, तुम ड्यूटी पे मास्क नहीं लगाते। मैंने कहा मुझे तकलीफ होता है, मैं क्या करूँ? बोला नहीं, सांस लेना है, बाहर जाने का, पेड़ के नीचे खड़ा होने का, जितना चाहिए उतना सांस लो, फिर आके ड्यूटी करो। ऐसे हालत में जिन जिन डॉक्टर ने मेरा कंप्लेंट किया, नर्सेस ने, उन सबको कोविड हो गया, मुझे ही नहीं हुआ। ये भी बाबा के कमाल है।
लेकिन एक गलती हमसे हुई कोविड के वक्त। क्या गलती हुई कि हम लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वो किट ऐसा था ना कि उसको खोलो पानी पियो, तो बहुत लंबे समय तक पानी नहीं पिया। फिर कोविड बंद हुआ, हमारा रिकॉर्डिंग चालू हुआ, मधुबन में मैं गया था। अभी देखो होना नहीं चाहिए, मेरी उम्र इतनी नहीं थी, तो मेरा आवाज़ बदलने लगा। आवाज़ तो नॉर्मल अभी आप सुन रहे ऐसा नहीं था, मेरा आवाज़ ऐसे स्पष्ट उच्चार ही नहीं आ रहा है। एज ए डॉक्टर मुझे समझ में आया ये क्या हो रहा है। पता है किसकी शुरुआत है जब आवाज़ ऐसे हो जाता है? किसकी शुरुआत है? आप शराबी जैसे बोलने लग ऐसे, किसकी शुरुआत है? ये बहुत डेंजरस साइन है। हाँ, किसने बोला, किसने बोला पैरालिसिस? पैरालिसिस सही जवाब है, तालियां बजाओ, आप डॉक्टर हैं। अच्छा, पैरालिसिस की शुरुआत है ये। तो मैं बीपी चेक किया, क्योंकि बीपी होने, बीपी बढ़ने से पहले तो बीपी नॉर्मल था। शुगर चेक किया, शुगर भी नॉर्मल, फिर भी मेरे को डाउट, क्योंकि आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो हमारे डॉक्टर इधर ही रोहतक में थे, डॉक्टर किरण बाला, अगर आपने नाम सुने, ब्रेन के स्पेशलिस्ट है, उनको फ़ोन किया कि मेरा आवाज़ ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा बीपी शुगर, बोला वो नॉर्मल है, बोला तुरंत जाओ ट्रॉमा हॉस्पिटल में, सीटी स्कैन करो। मैंने कहा मुझे कोई नहीं, सीटी स्कैन अब भी जाओ, क्योंकि वो एक घंटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं गया ट्रॉमा हॉस्पिटल में, प्रताप मीधा को बोला, सबको बोला ऐसा ऐसा है, किरण बाला ने कहा सीटी स्कैन, इमरजेंसी में सीटी स्कैन किया और डॉक्टर ने कहा आपके ब्रेन में खून की गांठ बन गई है। तो उनका डायग्नोसिस ठीक था, ये शुरुआत थी पैरालिसिस की। अभी मैं डर गया, मुझे दिखाई दिया कि आगे क्या होने वाला है। कभी भी एडवांस पार्टी में जा सकते तो आंखों के सामने पूरा जीवन आ गया, किसको किसको तकलीफ दिया है, किसके किसके साथ झगड़ा किया है। बैठ गया मैं अपनी जगह पे, किसी को बोला नहीं। अभी सभी लोग मीटिंग करने लगे, सतीश गुप्ता, प्रताप मीधा, अशोक मेहता भी थे, बनारसी भाई, सभी ने कहा ये हमारा इम्पोर्टेंट हैंड है सेवा का, नशा मुक्ति का। और कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अवधेश शर्मा, जानते हैं आप, दिल्ली के साइकियाट्रिस्ट, उनका शरीर छुट्टा था, वो कहते वो गए, अभी इनका भी नंबर है क्या? तो उन्होंने कहा इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको अहमदाबाद भेजेंगे, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन रात को कहाँ अहमदाबाद भेजे, इसलिए पेट में मेरे इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन खून को पिघलाने वाला इंजेक्शन होता है, गांठ को पिघलाने वाला। बोला सुबह भेजेंगे, सुबह एम्बुलेंस में सुला के मेरे को भेजा। वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, अपोलो हॉस्पिटल, उसने कहा हमको MRI करना पड़ेगा, सीटी स्कैन से पता नहीं चलता है। MRI किया, शाम को रिपोर्ट उसने देखा, बोला कहाँ गांठ है, तुम्हारी खून की गांठ तो पूरी तरह से पिघल गई, कोई गांठ नहीं है तुमको ब्रेन में। तो मैंने पूछा हुआ क्यों, मुझे डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तब उन्होंने हिस्ट्री लेख के बोला आप कोविड में काम किया था क्या? मैंने कहा काम तो किया था, कोविड हुआ था क्या? मैंने कहा कोविड नहीं हुआ। फिर दूसरा प्रश्न, पानी पीते थे क्या? बोला हाँ, पानी नहीं पीते थे। तो पानी न पीने की वजह से आपका खून गाढ़ा हो गया और आपको ये हो गया, तो आपको पानी पीना चाहिए। तब से मैं पानी साथ में रख, डॉक्टर ने कहा पानी पिया करो। लेकिन मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, बाबा की सेवा किया, ऐसे पेपर आते हैं लेकिन क्या हो जाता है, सुली से काटा हो जाते हैं। तो मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, अगर बहुत लंबे समय तक आपने बाबा की सेवा की है फुल, तो बाबा आपको संभाल लेता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है, केवल मेरा अकेले का नहीं है, दादी जानकी को तो मैंने देखा है, बड़ी दादी को भी देखा। तो ये सब इसके पीछे भाव क्या है, सब कुछ मन और बुद्धि से। मेरे को लोगों ने पागल कहा, मेरे को MD मिल रहा था, मैंने MD नहीं किया, मैं MD कर सकता था,
फॉरेन मैं सब छोड़ दिया, भगवान आया है। मेरे क्लासमेट, मेरे साथ वाला ना अभी हार्ट का ऑपरेशन करता है, वो मुझे कहता था कि तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था। मैंने उसको कहा मैंने कुछ तो पुण्य किया इसलिए मैं फंस गया, तेरा पुण्य अभी बाकी है इसलिए तू फंसा नहीं है। और ये सब लोग टीका करने वाले आज मुझे कहते हैं सचिन मेरे को भी कुछ मेडिटेशन सिखा ना, रात को नींद नहीं आती है। तो लोग विरोध करेंगे, हमको डरना नहीं है, लौकिक भी करेंगे अलौकिक भी करेंगे, बराबर है, पेपर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है, ये मेरा अनुभव है, बराबर। लेकिन इसकी जड़ में मैंने देखा, अपनी विशेषता को मैं देख रहा था कि एक बार डिसीजन ले लिया, बाबा को जीवन दिया, तो फिर हिलने का नहीं। मेरे ऊपर बहुत पेपर आए, मैंने आखिर इसके ऊपर एक किताब लिख दी, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रॉब्लम करके, आखिर मैंने किताब ही लिख दी, क्योंकि ऐसे ऐसे पेपर आए बीके लाइफ को हिलाने वाले। एक बार तो ऐसा पेपर आया कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, बाबा नींद नहीं आ रहे है, तो बाबा से जैसे मुझे आया, अच्छा इतना तकलीफ हो रहा है, मैंने कहा हाँ तकलीफ हो रहा है, लिखो, मैंने कहा लिखने की आदत नहीं है, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं रात को 11 बजे नोटबुक पेन लेके लिखने बैठा। आपको आश्चर्य लगेगा कब तक लिखता रहा, सुबह 4 बजे तक, 11 बजे मैं बैठा, सुबह 4 बजे तक लिख रहा हूं, और वही किताब बन गई उसका। और उस किताब का उद्घाटन हमारे आदरणीय रमेश भाई ने मुंबई में किया, और वो किताब पढ़ के लोगों की आत्महत्या रुक रही है, ऐसे अनुभव है। तो किसका कमाल है, उसमें का एक अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुंबई की घटना है। हमारा बचपन झोपड़पट्टी में गया, झोपड़पट्टी समझते हैं, झुग्गी झोपड़ी, इधर क्या बोलते हैं स्लम को, झुग्गी झोपड़ी ना, तो स्लम एरिया, अच्छा स्लम हिंदी में बोलते हैं, अच्छा। तो मेरा संडे का दिन था, वो झोपड़े में रहते थे, तो अचानक हमारी माता जी चिल्लाते हुए आए, सचिन जल्दी आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरा छुट्टी का दिन है। उसने कहा सामने वाले मकान में जो बहन रहती थी उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या, पंखे को लटका लिया। और मैं एक ही डॉक्टर, मैं उस समय इंटर्नशिप कर रहा था, पूरा डॉक्टर बना नहीं था, इंटर्नशिप चल रहे थे, तो खिड़की में से देखा तो उसने लटका लिया था, फांसी लगा लेते, तो अंदर से कड़ी लगा लेते, अभी क्या करे। तो किसी लड़के ने वो दरवाजा तोड़ा लात मार के, तो मैं उस समय दुबला पतला था, अभी भी दुबला पतला है, घुस गया मैं उसमें से, कड़ी खोला, तो अभी उसको नीचे उतारना, ये लोग लटकाते कैसे, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको मैं नीचे से पकड़ने गया, तो मुझे सभी लोग खींच रहे, मैंने पुलिस के से हाथ मत लगा, मैंने कहा बोल जाओ। मैंने जैसे ही हिम्मत किया तो मुझे देखकर और लोगों को हिम्मत आई, वो ऊपर से साड़ी खोला, नीचे उसको लाया। तो हमारी जो भाभी है वो नर्स है, तो भाभी की गोदी में उसका सर रखा, मैं उसकी नब्ज देख रहा हूँ, नब्ज बंद हो गई थी, यहाँ की नब्ज देखते हैं, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स, ये भी बंद हो गई थी। फिर मैंने टॉर्च मंगवाने को कहा, तो टॉर्च आंख में डाल के ना हम जिंदा या मर गई ये कंफर्म करते हैं। जब ये आंख की पुतली आपकी बड़ी हो जाती है, चौड़ी और फिक्स, तो समझने का ब्रेन डेड है, मर चुकी है। अगर आंख में टॉर्च डालने के बाद वो ऐसे ऐसे करते, मतलब आप जिंदा है अभी तक। तो इसकी, इस बहन की आंख की पुतली चौड़ी और ऐसे फिक्स हो गई थी, डायलेटेड, एंड इसका मतलब वो मर चुकी है। मैंने कहा ये मर चुकी है, जैसे ही कहा मर चुकी है, तो माता हमारी संगीत लो, तो मैंने बताया था तेरे को हाथ मत लगाओ, अभी पुलिस तेरे को पूछेंगे। मैंने कहा शांत हो जाओ, और हमको पता है मरने के बाद हम एक कोशिश करते, आखिरी कोशिश क्या करते हैं, हम बताओ, मसाज देते हैं, कार्डियक मसाज बोलते हैं उसको, CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। तो मैंने
भाभी को कहा, भाभी आप नब्ज को देखो, मैं CPR देता हूँ। वो CPR देने का टेक्निक होता है, ऐसे दोनों हाथों को पकड़कर छाती के ऊपर दबाना होता है। तो मैं चालू किया और मैं हाफ पैंट में था, बनियान और हाफ पैंट, सभी लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो क्या देख रहे हैं, ये नौसिखा डॉक्टर क्या कर रहा है, ये तो अभी डॉक्टर भी नहीं बना है। तो मैं दे रहा हूँ 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और एक तो हवा नहीं आ रही थी, दरवाजा खिड़की बंद था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट समझते हैं, निराश हो गए। तो मैंने जोरदार ताकत लगाया, अभी वो बहन दुबली पतली थी, जैसे मैंने ताकत लगाया उसकी यहाँ की रीढ़ की हड्डी जो थी टूट गई और आवाज आया कट करके। सभी ने सुना और सभी ने बोला तोड़ा तोड़ा इसकी। अभी आवाज तो सभी ने सुना कि उसकी हड्डी टूट गई करके, क्योंकि मैंने जोर से ताकत लगाई। पर क्या हुआ पता है, देखो ड्रामा कैसे टर्न लेता है। जैसे उसकी यहाँ की हड्डी टूट गई, वो अंदर गई और अंदर जाके उसने दिल को धक्का दे दिया। जैसे ही दिल को धक्का दे दिया, उसका दिल धड़कना चालू किया और भाभी ने कहा सचिन पल्स चालू हो गया है, फिर से खून बहना चालू हो गया और उसकी जान वापिस आ गई। उसको हम म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में लेके गए, फिर पुलिस केस हुआ, हमने सब दिया स्टेटमेंट, वो जिंदा हो गई। डिप्रेशन में थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए उसने सुसाइड किया था। बाद में उसकी शादी हो गई और उसका एक बच्चा भी हो गया, अभी वो बहुत खुशी का जीवन जी रही है। लेकिन ये अनुभव मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में ना मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूं, कोई तो मेरे द्वारा करवा रहा था। समझ रहे आप बात को, बाबा आपको यूज करने लगता है। ऐसे एक बार नहीं, बहुत बार हुआ, ये अनुभव मैंने उस किताब में लिखा हुआ है। जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं ना, मेरे पास काफी है, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ना लोग, प्रश्न पूछते हैं। काउंसलिंग समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुपदेशन, माना बातचीत करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। तो मेरे पास दोनों प्रकार के लोग आते हैं, बी के भी आते हैं और पी के भी आते हैं, ये दोनों का मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो उसमें सुसाइडल वाले बहुत हैं, बी के भी है यहाँ, जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं, ये बाहर से पता नहीं चलता है। तो मैं, मुझे पता नहीं कितना देर तक बोलना है, रुकना है शायद, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि ठंडी का दिन है, भोजन भी होगा, मुझे पता नहीं। तो आपको अच्छा लगा अनुभव, अच्छा लगा? दस मिनट है ना, योग करते हैं हम, 10 मिनट का है ना, पावरफुल योग करते हैं। तो सिंपल मेडिटेशन है, कुछ नहीं करो, थोड़ा समय बचा है, लगता है थोड़ा समय बचा है। मुझे तो ये स्पष्ट अनुभव आता है कि युद्ध होने वाला है, मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत में सिविल वॉर, काटने वाले एक दूसरे को, मुझे ये स्पष्ट दिखाई देता है। हर राज्य में मैं जाता हूँ, केवल एक चिंगारी की जरूरत है, एक चिंगारी हो गई ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो चिंगारी कहाँ से आएगी हमको नहीं पता, लेकिन हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है? तो जो कुछ भी हुआ अभी उसको छोड़ दो, भूल जाओ, पास्ट इज हुआ, वो हुआ, अभी से इस क्षण से बाबा से पक्का वायदा करो, बाबा अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, समय थोड़ा है, पूरे कल की कमाई है, 20 नाखून का जोर लगाओ, 21 है तो 21 लगाओ,
कुछ लोगों की उंगली ज्यादा होती है, 21 नाखून का जोर लगाओ, लेकिन ये 20 नाखून का जोर लगाओ, हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि अंतिम समय कभी भी आ सकता है कि नहीं, बैठे बैठे भी शरीर छोड़ सकते हैं, तैयार रहो। अगर आपके पास कुछ भी है और आपका दिल है कि मुझे भगवान को देना है, दे दो, सोचो मत, सफल करो। तन मन धन, शरीर अच्छा है सेवा करो, मन अच्छा है मन से सेवा करो, धन है धन दे दो, समय है समय दे दो, लेकिन सफल करो, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे। बराबर है ना? मैं एक भी बाबा का टर्न मिस नहीं किया। जब बाबा आते थे ना तो मुझे लोग पागल कहते थे, हर टर्न में जाने की क्या जरूरत है, हम तो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। आज वही लोग मुझे कहते हैं, बहुत अच्छा किया तुम गए हर टर्न में, क्योंकि हमने कल्प कल्प का पार्ट नून कर लिया ना, समझ रहे हैं? शुभस्य शीघ्रम। तो हर वक्त मेरा अनुभव है, बाबा की याद में जितना रहोगे ना, जितना बाबा की याद में रहोगे, बाबा आपको ऐसे उठा लेता है दोनों हाथों से। बाबा आपको सोने भी नहीं देगा, आपको बोलेगा उठो तपस्या करो, ये मेरा अनुभव है। तो हम सभी अभी 20 नाखून का जोर लगाते हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसी अनुभवी आत्मा आपको मिली हुई है, जो बहुत पुरानी है और तपस्वी है, दादियों की पालना लिया, अच्छल दीदी की पालना लिया, अच्छल दीदी जिसको बाबा मुरली में याद करता है ना, पंजाब की शेरणी चंद्रमणि दादी, तो इतनी दादियों की पालना लिए हुए भाई साहब आपके पास है, ये आपका भाग्य है, अनुभवी है ना, एजुकेशन फील्ड के है और इन्होंने तो रिकॉर्ड किया है इतने सेंटर खोल के। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे लगता है कि जो भी तीर्थ क्षेत्र है ना, जैसे काशी है, बनारस है, या ये उत्तराखंड है, वहाँ पे साक्षात्कार की धूम होने वाली है, क्योंकि भक्त सबसे ज़्यादा उधर ही है ना, तो वहाँ पे साक्षात्कार की धूम होने वाली है। और साक्षात्कार कौन कराएंगे? बाबा के बच्चे कराने वाले हैं। तो उस स्थान पर जो भी बहने बैठे हैं, वो बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनने वाले, भीड़ लगने वाली है। और वहां बाबा ने हमेशा कहा, जहां मेरे भक्त है वहां पे सेवा करो। तो ऐसा सेवा का भाग्य आप लोगों को मिला है, या आपका पुण्य है। ये हरियाणा भी ऐसे ही धर्मी है ना, पुण्य है। आज का मेरा जो पैम्पलेट बना है सॉफ्ट कॉपी, उसमें राम का फोटो डाला है। मैंने कहा राम का क्यों डाला है? बोला हमारे इधर सब लोग मानने वाले हैं, है ना, तो ये सब बाबा के बच्चे आने वाले हैं, है ना, उनका भाग्य भी बनाने के लिए निमित्त बनेंगे। करेंगे योग 2 मिनट के लिए, एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, गर्दन और कमर एक लाइन में रखेंगे, बिल्कुल एकाग्र होके बैठेंगे, बिल्कुल हलचल नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग बहुत हलचल कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, जागृत हो जाएंगे, महसूस करेंगे। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर, देखेंगे आपके शरीर में कहां पर भारीपन है, तनाव है, खिंचाव है, और अपनी इच्छा शक्ति से संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ देंगे, हल्का रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे हैं। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूं ही अशरीरी।
ये शरीर एक सुंदर मंदिर है और इस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति चमक रही है और मैं ये दिव्य ज्योति हूं। स्पष्ट देखेंगे शरीर भारी है लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हूँ, वेटलेस, मेरा कोई भी वजन नहीं है। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूं मैं। पवित्र देश परम धाम के निवासी हूं। अपने मन और बुद्धि से अपने आप को परम धाम में देखेंगे, मेरा असली घर जहां पर चारों तरफ शांति है, उस परम पवित्र परम धाम में मैं अपने असली पिता शिव बाबा के साथ हूँ। स्पष्ट अनुभव करेंगे चमक रहे हूं। शिव बाबा से दिव्य शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, किरणें आ रही है। मैं आत्मा अपने पिता समान परम पवित्र हूं। बाबा से सर्व शक्तियां गुण मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बीज रूप बाप के साथ मैं आत्मा भी मास्टर बीज रूप हूं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मुझ आत्मा के ऊपर लगे सभी दाग साफ हो रहे हैं। मैं आत्मा फिर से बाप समान स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हैं। बाबा का दिव्य प्रकाश मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा है। विश्व की स्टेज पर हूं मैं। विश्व की सर्व आत्माएं मेरे आंखों के सामने है। बाप समान मैं आत्मा विश्व परिवर्तक विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी विश्व रक्षक विश्व मित्र पूरा विश्व मुझ आत्मा के इस दिव्य प्रकाश की
पलकों के नीचे आ चुका है। सभी आत्माओं को ईश्वर की शक्तियों का सकाश अनुभव हो रहा है। सभी के दुख दूर हो रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं की मंगल मनोकामनाएं शांति और सुख की पूर्ण हो रही है। सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हो चुके हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर हूं। बाबा का प्रकाश मेरे द्वारा निरंतर चारों तरफ विश्व में प्रवाहित हो रहा है। भाई बहनों को कैसे लगे अनुभव? ताकत आई? कल फिर इसी तरह से मट्टी का कार्यक्रम होगा और परसों भी दो दिन आपको कोचिंग मिल रही है। जैसे पेपर आ जाते हैं ना, बच्चे कोचिंग रख लेते हैं पास होने के लिए। तो अब बाबा को पता विनाश नजदीक आ रहा है, इन बच्चों को कोचिंग चाहिए, इसलिए आपको कोचिंग दिलवा रहे हैं। पहले सूरज भाई आया, उसने भी अच्छी कराई, अब डॉक्टर साहब आए हैं, हैं? तो आपको ये कोचिंग मिल रही है पुरुषार्थ करने के लिए, ताकि आगे विनाश में आप अपने को स्ट्रांग रख सकें। बहुत बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, पास करनी पड़ेंगी, इसलिए पहले से सतर्क करवा रहे बाबा। ये बाबा ही भेज रहा है, समझे ना, ये आपका सौभाग्य है। तो दूती नौर सब भाई बहनों ने इसी तरह आना, चाहे धुंध हो चाहे कुछ हो। वैसे तो धूप निकल आई आज भी, तो इसलिए मौसम ठीक होता जा रहा है। जब से डॉक्टर साहब का नाम आया कि वो आ रहे हैं, कल भी धूप निकल आई थी, आज फिर निकल गई, तो इसलिए आप सब ने आना है। अभी सुनीता बहन कॉपी उठा रही है, कुछ कहना चाहती है, हैं? हाँ भाई सुनीता बहन बता क्या कहना। डायरेक्शन हमें बहुत 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 अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आदरणीय पूछा ही है।
और हम समझते हैं कि बहुत सारे भाई बहने छुट्टी लेकर के भी गए हैं और एक दो दिन का है, क्योंकि 21, 22, 23 तारीख में बहुत सारे ओकेजन्स भी चल रहे हैं, जैसे कि हाँ जी राम मंदिर का ज़्यादा चल रहा है और शाम का प्रोग्राम जी। जब भाई साहब ने डेट दी जनवरी में तो हमें लगा कि भाई साहब को मालूम होगा कि यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। हमने कहा शायद टाइम शेड्यूल ऐसा होगा भाई साहब के पास कि मतलब ऐसा हुआ, लेकिन जब आज सुबह हमने सुना कि अरे बाबा यहाँ तो बहुत सर्दी होती है, ऐसे रहते हैं क्या, कैसे रहते हो आप इस सर्दी में, तो फिर हमें लगा कि भाई साहब तो अनभिज्ञ थे इस बात से कि यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, पर हमें बहुत अच्छा लगा। तो कल नीलम दीदी जी भी कह रहे थे कि सर्दी नहीं होनी चाहिए, तो भ्रादर जी कहते सर्दी नहीं आएगी तो गेहूँ कहाँ से आएगी, तो वो भी ज़रूरी है, तो सर्दी होना भी ज़रूरी है। जब सर्दी अपने समय पर आ रही है, गर्मी अपने समय पर आती है, तो हम सब भाई बहने तो कल बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम का प्रोग्राम भी नए भाई बहनों के लिए भी है, उसमें भी आप सब जो हैं जो अपने कलीग्स हैं उन सबको लेकर के आइएगा, और ड्यूटी रहेगी बहुत सारे भाई बहनों की जो सेवा में रहेंगे, क्योंकि शाम का भी चाय नाश्ता रखा है। और हमारे अति प्यारे एक भाई हैं, उनका जन्मदिन भी है, टीबी के पेशेंट्स भी रहेंगे उसमें, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो शाम को रहेगा। और कल शाम को दिवाली भी मनाई जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज भी हमारे योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारीज को खास, और मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी खास कहा है, तो हम सब जो हैं वो मनाएंगे। लेकिन कल हमारी जो योग भट्टी है शांत रीति से जो चलने वाली है, आदरणीय भ्राता जी ने बहुत सुंदर आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम फ़ोन पे सुन रहे थे, अभी कई भाई बहने फ़ोन कर रहे थे, कहते बहुत अच्छी भट्टी चल रही है, बहुत अच्छी भट्टी चल रही है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम भट्टी कर रहे हैं। तो आदरणीय भ्राता जी के लिए एक बार और ज़ोरदार तालियां हम देंगे। और जो आपने अपने जीवन में कमाई किए हैं वो हम भी करेंगे, है ना, दादियों जैसा, दादियों से भी ऊपर। किन को कहा, आदरणीय जगदीश चंद्र भाई साहब को कहा कि आपसे भी आगे जाना है, तो हमें किससे आगे जाना है, भाई साहब से आगे जाना है। अच्छा, फिर इतना हमें प्रयास भी करना पड़ेगा, है ना। तो अमृत वेला तो आप सभी करते होंगे, इसी प्रयास के साथ हमें सारा दिन आत्मा समझकर खुद को और तपस्या में अग्रसर होना है। और अभी का जो ब्रह्मा भोजन है, जैसे आप बाबा की याद में नीचे जाते जाएंगे आपको वहाँ ब्रह्मा भोजन पैकिंग में दिया जाएगा। और शाम का प्रोग्राम 5 बजे रहेगा, और कल की योग भट्टी कितने बजे जी, क्योंकि हमारे रामरतन भाई जी 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और रामतीर्थ भाई जी भी, मतलब कई भाई बहने हमारे बहुत अच्छे से पहुँच गए थे। आप टाइम पर आएंगे तो योग भट्टी अच्छा, आज कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आया, तो आनंद आना चाहिए ना, लगातार आना चाहिए। तो इसीलिए असंध के सब भाई बहने, असंध की सुगंध फैलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम सभी का प्रयास रहेगा, अभी सब प्यारे बाबा की याद में पुनः बैठेंगे, 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, तत्पश्चात डॉक्टर प्रकाश भाई जी शायद शाम को आते होंगे, हाँ जी, क्योंकि इस समय भ्राता जी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर बैठे हैं, युगल जी, राजबल्लभ, ओम शांति।